Hello students, welcome to lecture 3 of ecosystem. So ecosystem के दो lectures में हम लोगों ने basic ये सारी चीजें देख ली. Productivity हम लोगों ने पढ़ लिया, decomposition हम लोगों ने पढ़ लिया, energy flow हम लोग last lecture में चला रहे थे, इसी को थोड़ा और आगे extend करेंगे. और last topic जो आएगा हमारा वो आएगा nutrient cycle. ठीक है, तो energy flow हम लोगों ने बहुत सारी चीजें cover कर ली थी energy flow में. अब उसी का एक topic है energy flow का, ecological pyramids. ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं तीन तरह के पिरामिड्स होते हैं कि कैसे एनर्जी फ्लो करता है, कैसे वो ट्रांसफर होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे. ठीक है, तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फूड चेन इन द फॉर्म ऑफ ए पिरामिड इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल पिरामिड. तो जो फूड चेन है उसको हम लोग यहाँ पर एक पिरामिड की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, द बेस ऑफ ए पिरामिड रिप्रेजेंट प्रोड्यूसर. और हमेशा जो बेस है वहां पर हम लोग फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो प्रोड्यूसर से उसको दिखा रहे हैं. द एपेक्स रिप्रेजेंट टर्शरी और टॉप लेवल कंज्यूमर. ठीक है, जो ऊपर है वो टर्शरी या टॉप लेवल जो भी कंज्यूमर होगा वो वहां पर दिखाया जाएगा. ठीक है, तो ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन है इकोलॉजिकल पिरामिड का. उसके बाद देयर ऑफ थ्री टाइप्स. ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर जिसमें हम लोग नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे स्पीशीज को ट्रॉफिक लेवल्स पे. दूसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास जिसमें हम लोग बायोमास के अकॉर्डिंग जो है पिरामिड्स में रखा जाएगा अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स पे. और लास्ट है वो है पिरामिड ऑफ एनर्जी. ठीक है, किसके पास ज्यादा एनर्जी है, किसके पास कम एनर्जी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रांसफर करेंगे पिरामिड में. ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा पिरामिड ऑफ नंबर. ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ग्रासलैंड इकोसिस्टम. जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्राइमरी प्रोड्यूसर एक नंबर दिया हुआ है. मान लो प्राइमरी प्रोड्यूसर प्लांट्स जो है वो इतने हैं ग्रासलैंड में, खूब सारे प्लांट होंगे. उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स इतने हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स उससे कम होंगे, और टर्शरी कंज्यूमर मान लो तीन है. ठीक है, मान लो ईगल जो है यहाँ पर वो तीन है उस एरिया में. तो इसको हम बोलेंगे पिरामिड ऑफ नंबर, जिसमें नीचे प्रोड्यूसर का नंबर ज्यादा है और धीरे धीरे वो कम होता जाएगा ऊपर टर्शरी कंज्यूमर तक. ठीक है, तो ये हो गया हमारा. उसके बाद बायोमास की बात करें, पिरामिड ऑफ बायोमास. ठीक है, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है अगर उसका नंबर ज्यादा है, ठीक है, तो उनमें बायोमास भी ज्यादा है. ठीक है, फिर बायोमास धीरे धीरे कम होता जाएगा. इट शोज अ शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट हायर ट्रॉफिक लेवल. ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेटरी लॉस होंगे, हीट लॉस होगा, तो प्राइमरी कंज्यूमर में उससे कम बायोमास होगा. फिर सेकेंडरी कंज्यूमर नंबर भी कम है तो बायोमास उसके अकॉर्डिंग भी कम होता रहेगा, और बाकी एनर्जी ट्रांसफर जो हो रहा है उसके थ्रू भी कम होगा. ठीक है, यहां पर अगर हम देखें, दिस इज इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास. ठीक है, मान लो स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट्स लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन. तो ये है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास. ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ पिरामिड ऑफ बायोमास इन विच इट इज इन्वर्टेड. ठीक है, ये तो नॉर्मल है. इन्वर्टेड क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर का नंबर कम है. ठीक है, सॉरी, बायोमास कम है, बायोमास कम है, बट कंज्यूमर ज्यादा है, मीन जू प्लैंक्टन ज्यादा है. मान लो कोई पॉन्ड है, लेक है, वहां पे जू प्लैंक्टन ज्यादा है और प्राइमरी प्रोड्यूसर का बायोमास कम है. ठीक है, तो ये इन्वर्टेड ग्राफ बनेगा. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी. ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, प्राइमरी प्रोड्यूसर कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ एनर्जी इन द सनलाइट अवेलेबल टू देम इन एनपीपी. ठीक है, तो जो भी उनको नेट लाइट मिलता है उसका 1% वो कन्वर्ट कर पाते हैं एनर्जी में. ठीक है, तो मान लो प्राइमरी प्रोड्यूसर जो भी प्लांट है उसको इतना सनलाइट मिला. ठीक है, उसमें से उसने 1% 10,000 जूल जो है वो कन्वर्ट किया, और फिर उसने उसमें से 10% इसका 10% वो प्राइमरी कंज्यूमर को देगा, जैसे 1,000 जूल, फिर ये उसका 10%. तो मान लो प्राइमरी प्रोड्यूसर में यहाँ पे दिखाया 100% मिला, जितना भी एनर्जी था उसमें से 100% मान लेते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में जितना एनर्जी था. अब उसने प्राइमरी कंज्यूमर को 10% दिया. ठीक है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर के पास कितना बचेगा, 1%, 10% का 10% कितना 1%, 1% का 10% 0.1%, और जो एपेक्स प्रेडेटर है जो फाइनल कंज्यूमर है उसके पास 0.1%. ठीक है, एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में लॉस्ट होगा, रेस्पिरेटरी लॉसेस होंगे, और ये सब भी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कुछ मरेंगे भी,
ठीक है, कंज्यूमर्स मरेंगे, वो डिकम्पोजर्स के पास जाएगा और फिर वो न्यूट्रिएंट्स रिसाइकिल होके वापस से मिलेंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को। ठीक है, तो ये हो गया पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये हमेशा अपराइट होगा, इसमें कभी इन्वर्टेड नहीं होने वाला। एनी कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंटेंट बायोमास और नंबर हैज टू इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म एट दैट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, अगर हम कोई भी एनर्जी कंटेंट या बायोमास या नंबर को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस ट्रॉफिक लेवल पे सारे ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करना पड़ेगा। ए ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट ए फंक्शनल लेवल, ए फंक्शनल लेवल नॉट ए स्पीशीज एज सच। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल जो है वो रिप्रेजेंट करेगा एक फंक्शनल लेवल को, एक स्पीशीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा उस लेवल पे जितने भी आ रहे हैं। ठीक है, ए गिवन स्पीशीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम। ठीक है, ए स्पैरो इज ए प्राइमरी कंज्यूमर व्हेन इट ईट सीड्स फ्रूट पीस। ठीक है, अगर स्पैरो सीड्स खा रही है, फ्रूट्स खा रही है, पीस खा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएगा। एंड सेकेंडरी कंज्यूमर व्हेन इट ईट्स इंसेक्ट और वर्म, और अगर वो इंसेक्ट्स और वर्म को खा रही है, क्योंकि वो दोनों खाती है, ठीक है, तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएगा। तो एक स्पीशीज एक गिवन टाइम पर एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल में हो सकता है, एक सेम ही इकोसिस्टम में, है ना। अगर वो सीड खा रही है तो वो प्राइमरी कंज्यूमर कहला रही है, और अगर वो इंसेक्ट्स एंड वर्म खा रही है तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो जा रही है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म, एक स्पीशीज जो है वो दो ट्रॉफिक लेवल में आ जाए एक ही इकोसिस्टम में। उसके बाद इन मोस्ट इकोसिस्टम्स ऑल द पिरामिड्स आर अपराइट। ठीक है, मोस्टली जो पिरामिड्स है वो अपराइट रहेंगे। ठीक है, प्रोड्यूसर्स आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन द हर्बीवोर्स, एंड हर्बीवोर्स आर मोर इन नंबर देन बायोमास देन द कार्निवोर्स। ऑल्सो एनर्जी एट अ ट्रॉफिक लेवल लेवल इज ऑलवेज मोर देन एट ए हायर लेवल। ठीक है, एनर्जी का हमेशा अपराइट रहेगा, बाकी दोनों में बायोमास में और नंबर में इन्वर्टेड पिरामिड हमें मिल सकते हैं। ठीक है, बट एनर्जी वाला हमेशा अपराइट रहेगा। जैसे यहां पर हम देख रहे हैं इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन ए बिग ट्री। ठीक है, एक 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 ही ट्री है तो नंबर तो एक ही है, उसके ऊपर बहुत सारी चिड़िया रह रही हैं। ठीक है, तो उनका नंबर ज्यादा है, फिर उन पे पैरासाइट्स रह रहे हैं उसी पेड़ पे, या वो चिड़िया के ऊपर पैरासाइट चुपके हुए, तो उनका नंबर उससे ज्यादा है, और उसके ऊपर और पैरासाइट्स हैं, हाइपर पैरासाइट्स हैं, जो उनका नंबर उससे भी ज्यादा है। ठीक है, या फिर वो पैरासाइट्स पे फीड कर रहे हैं। तो ये हो गया इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, नॉर्मल वाला हमने आगे देखा ही था। उसके बाद पिरामिड ऑफ बायोमास इन ए सी इज इन्वर्टेड। बायोमास का अगर हम देखें पिरामिड सी में, बिकॉज बायोमास ऑफ फिशेज फार एक्सीड दैट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, तो जो प्रोड्यूसर है फाइटोप्लैंक्टन से, उसका बायोमास कम है, और जो कंज्यूमर जो फिशेज है, बड़ी बड़ी शार्क है, वेल है, उनका बायोमास ज्यादा है। ठीक है, तो ये भी बायोमास का इन्वर्टेड एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो दोनों के एग्जाम्पल इन्वर्टेड के भी और नॉर्मल के भी हमें याद रखने हैं, ये एग्जाम्पल बहुत बार पूछे जाते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, बिकॉज व्हेन एनर्जी फ्लो फ्रॉम ए ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस एज हीट एट ईच स्टेप। ठीक है, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट रहेगा, क्योंकि हर ट्रॉफिक लेवल पे कुछ एनर्जी लॉस, रेस्पिरेटरी लॉस हमें देखने को मिलेगा, तो वो कभी इन्वर्टेड नहीं हो सकता। ठीक है, बट पिरामिड ऑफ नंबर और बायोमास इन्वर्टेड भी हो सकते हैं और रेगुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है हमको। उसके बाद लिमिटेशंस क्या है इकोलॉजिकल पिरामिड्स के। इट डज नॉट टेक अकाउंट द सेम स्पीशीज बिलोंगिंग टू टू और मोर ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, अब वही जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक ही स्पीशीज अगर दो तीन ट्रॉफिक लेवल पे है तो उसको कैसे सॉल्व करें, ये इसका लिमिटेशन है। इट अज्यूम ए सिंपल फूड चेन दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर। ठीक है, ये सिंपल फूड चेन हम लोग बना रहे हैं, हाइपोथेटिकल बना रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, इट डज नॉट एक्यूमुलेट ए फूड वेब। फूड वेब की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, अगर फूड वेब बनाएंगे तो पिरामिड्स नहीं बन पाएंगे। तो इसके कुछ लिमिटेशन है जो हम पिरामिड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेप्रोफाइट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स इवन दो दे प्ले वाइटल रोल इन इकोसिस्टम। सेप्रोफाइट्स, ठीक है, जो डेड एंड डिकिंग पे ग्रो होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है डिकम्पोजर्स, बट उनको यहाँ पर कहीं रोल नहीं दिया गया, कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ पिरामिड। क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट आर द लिमिटेशंस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन की। ठीक है, ये क्या होता है देखते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन,
It is gradual, slow, and predictable change in the species composition of an area, leading to a climax community, community that is in equilibrium with the environment. ठीक है, तो धीरे धीरे एक जगह पर चेंज होना, ठीक है, स्पीसीज कंपोजिशन में पहले कुछ और होता था और धीरे धीरे वहां पूरा स्पीसीज बदल गए, अलग तरीके की चीजें होने लगी, तो उसको हम बोलेंगे सक्सेशन. ठीक है, इसको हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं जो कि इन्वायरमेंट के साथ इक्विलिब्रियम पे है. ठीक है, जो फाइनली जहाँ पर पहुंचे, मान लो एक एरिया था वहां पर पहले रॉक्स रहते थे, फिर लाइकेन और मॉस आए, उन्होंने रॉक्स को तोड़ा, थोड़ा सॉइल बना, फिर वहां वीड्स ग्रो होने लगे, फिर पेरेनियल वीड्स, ग्रासेस, फिर श्रब्स आए, उसी एरिया की, एक सेम एरिया की बात हो रही है, फिर जो है थोड़े और प्लांट आने लगे और फिर फाइनली ट्रीज, बड़े प्लांट्स आ गए. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे सक्सेशन, जो कि काफी स्लो प्रोसेस होता है, धीरे धीरे होता है. इन दिस सम स्पीशीज कॉलोनाइज एन एरिया एंड इंक्रीज इन नंबर, अदर स्पीशीज डिक्लाइन एंड डिसअपीयर. ठीक है, अब क्या होगा, कुछ नए स्पीशीज आएंगे, उनका नंबर बढ़ेगा और जो पहले वाले थे वो डिक्लाइन होंगे या डिसअपीयर हो जाएंगे. ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर हम देखें लास्ट स्टेज पे, तो हमें लाइकेंस और मॉसेस नहीं मिलेंगे, तो उनका नंबर कम हो गया या डिक्लाइन हो गए. द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसफुली चेंज इन एन एरिया आर कॉल्ड सेरे. ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है. इंडिविजुअल ट्रांजिशन कम्युनिटीज आर टर्म्ड एज सीरियल स्टेजेस. ठीक है, तो इनको हम बोलेंगे सीरियल स्टेजेस. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सीरियल स्टेजेस है और ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो फाइनली हमको अभी जो देखने को मिल रही है उस एरिया में वो कहलाती है क्लाइमेक्स कम्युनिटी, और बीच के जो स्टेजेस है वो कहलाते हैं सीरियल स्टेजेस. ठीक है, द स्पीशीज इन्वेडिंग ए बेयर एरिया आर कॉल्ड एज पायनियर स्पीशीज. ठीक है, जो एक बंजर जगह पर जहाँ पे कुछ ग्रो नहीं होता था, लिविंग प्लांट कुछ भी नहीं, जहाँ पे बंजर जगह पे जो पहली बार ग्रो होना स्टार्ट किया, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं लाइकेंस और मॉसेस सबसे पहली बार ग्रो हुए, उससे पहले पत्थर थे सिर्फ, तो उनको हम बोलेंगे पायोनियर स्पीशीज, जिन्होंने शुरुआत की वहां पर. ठीक है, प्लांट्स की या वहां पे ग्रोथ हो, वो जो शुरुआत जिसने की उसको हम बोलेंगे पायोनियर स्पीशीज. मोस्टली वो लाइकेंस और मॉसेस होते हैं क्योंकि वो रॉक्स पे ग्रो हो पाते हैं, उसको तोड़ तोड़ के धीरे धीरे वो सॉइल कन्वर्ट करते हैं, जब सॉइल बनती है तो फिर हायर प्लांट्स वहां पे ग्रो हो जाते हैं इजिली. इन द सक्सेसिव सीरियल स्टेजेस देयर इज अ चेंज इन स्पेसिफिक डाइवर्सिटी, और जैसे जैसे सीरियल स्टेजेस बढ़ेंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी चेंज होगी. इंक्रीज इन नंबर स्पीसीज एंड ऑर्गेनिज्म एंड इंक्रीज इन द टोटल बायोमास, बायोमास भी बढ़ेगा और नंबर ऑफ स्पीसीज भी बढ़ेंगे. द प्रेजेंट डे कम्युनिटीज आर ड्यू टू सक्सेशन ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स. अब ये अब देखोगे कि कोई जहाँ पे आप रहते हो, मान लो वो पहले भी रॉकी एरिया हुआ करता होगा, ठीक है, धीरे धीरे मिलियन ऑफ ईयर्स में वो फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट हुआ है. ठीक है, तो काफी स्लो प्रोसेस है. सक्सेशन एंड इवोल्यूशन वर्क पैरेलल, और इवोल्यूशन भी होता गया ह्यूमन का, और साथ साथ ये इकोलॉजी का सक्सेशन भी चल रहा था कि जो बंजर जगह थी, जो रॉकी थे, जैसे अभी भी आप देखोगे राजस्थान में, अगर आप देखो 100 साल पहले कैसा था और 100 साल पहले, ज्यादा हम नहीं देख रहे, 100 साल में भी देखोगे कोई लोग राजस्थान जाते हो तो पहले पूरा पथरीला होता था, अब धीरे धीरे वहां पे खेत बनने लगे, पहाड़ों को काट काट के खेत बनाए हैं, वो वहां पे खेती कर रहे लोग, तो धीरे धीरे वो जो पथरीले जो पत्थर थे वो कम होते जा रहे हैं. ठीक है, और फर्टाइल लैंड बढ़ता जा रहा है. अब सक्सेशन जो है वो दो तरीके के हैं, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन, एक एक करके हम दोनों को समझते हैं यहां पर. तो प्राइमरी सक्सेशन क्या है, सक्सेशन टेकिंग प्लेस इन एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एवर एग्जिस्टेड. जो एकदम बंजर बेयर रॉक से शुरुआत होती है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन. ठीक है, जिसमें बेयर रॉक्स थे वहां लाइकेंस ग्रो होने लगे धीरे धीरे, और रॉक्स को जो देखो देखो ये रॉक्स है पूरा, ठीक है, रॉक्स है और जो है रेत है, और धीरे धीरे वो सॉइल भी कन्वर्ट होने लगा और धीरे धीरे देखो ऊपर ग्रीनरी आने लगी और पूरी तरीके से ये ग्रीन क्लाइमेक्स कम्युनिटी पहुंच गई. बहुत अच्छा ये डायग्राम है जो अच्छे से बता रहा है. ठीक है, न्यूली कूल्ड लावा है, बेयर रॉक्स है, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड और रिजर्वेयर है. ठीक है, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन, जिसमें पहले कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहा ही नहीं. To establish a biotic community, fertile soil must be formed. So primary succession is a very slow process. ठीक है, ये काफी slow process है. ऐसा नहीं है कि पत्थर से 2-3 दिन में soil बन जाएगा. ये काफी slow process है. इसमें million of years लगे हैं. अब secondary succession क्या है? Succession taking place in an area after existed organism are lost. मान लो एक जंगल था, ठीक है, जैसे ये पहले वाला यहाँ की बात करें, क्लाइमेक्स कम्युनिटी है ये, ठीक है, प्राइमरी सक्सेशन से ये बना, ये जंगल बना, और इस जंगल में आग लग गई मान लो, ठीक है,
जंगल में आग लग गई, वो आग बुझ गई, फिर धीरे धीरे वहां पे फिर से प्लांट पुनः होना स्टार्ट हुए, तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। मीन्स जहां पर पहले ऑलरेडी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहे हैं बट वो किसी कारण की वजह से लॉस्ट हो गए थे तो वापस से स्टार्ट हुआ। ठीक है, जैसे अबेंडेंट फार्म लैंड्स हैं, बर्न और कट फॉरेस्ट हैं, लैंड दैट आर फ्लडेड, फ्लड आ गई वहां पे सब प्लांट्स मर गए, बट फ्लड जब पानी चला गया वापस से ग्रोथ होने, तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, तो ये समझ गए, पहली बार जो हो रहा है वो प्राइमरी, प्राइमरी से पूरा क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक जाएगा, और क्लाइमेक्स कम्युनिटी मान लो किसी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, फिर से वहां पे सक्सेशन होता है तो उस हम सेकेंडरी सक्सेशन बोलेंगे। सिंस सम सॉइल और सेडिमेंट इज प्रेजेंट, सक्सेशन इज फास्टर देन प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है, अब यहां पर सॉइल वॉइल तो था, सिर्फ जंगल जल गया था, बट ऐसा नहीं था कि पत्थर बन गए वापस से सॉइल का, सॉइल तो थी, थोड़े मिनरल्स कम हो गए होंगे, बट ये फास्टर रहेगा क्योंकि इसके पास सॉइल है और पहले से किसी के प्लांट के स्पोर्ट्स सीड्स जो है वो पहले से सॉइल में पड़े होंगे। प्लांट्स मर गए बट उनके सीड्स स्पोर्ट्स तो पड़े होंगे सॉइल में, तो कहीं ना कहीं ये सेकेंडरी सक्सेशन फास्टर होगा, फास्टर से फिर से वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी में पहुंच जाएंगे एज कम्पेयर टू प्राइमरी। प्राइमरी में काफी टाइम लगेगा क्योंकि उनके पास स्टार्टिंग में सॉइल नहीं थी। ठीक है, इन सक्सेशन चेंजेस इन वेजिटेशन अफेक्ट फूड एंड शेल्टर ऑफ एनिमल्स। ठीक है, द सक्सेशन लीड्स टू चेंज इन नंबर एंड टाइप्स ऑफ एनिमल। अब मान लो जब हर्ब्स एंड श्रब्स होते थे तो अलग तरीके के एनिमल वहां रह सकते थे, छुप सकते थे, बट जब बड़े होते गए तो बड़े एनिमल भी, अब मान लो जब यहाँ पे श्रब्स हर्ब्स थे तो वहां पर हाथी ये सब तो नहीं रहेंगे, और जब बड़े प्लांट्स हो गए, थोड़ा घना जंगल हो गया, तो अलग तरीके के एनिमल्स वहाँ, शेर भी रहेगा, चीता भी रहेगा। ठीक है, प्लेन लैंड से सिर्फ घास है तो वहां पे शेर चीते नहीं रहेंगे। ठीक है, तो वो भी चेंज होता है, लीड्स टू चेंज इन नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड डिकम्पोजर्स। नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंस। ठीक है, अब ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंसेज होते हैं, कभी कभी नेचुरल फायर भी होती है। कन्वर्ट ए पर्टिकुलर स्टेज टू अर्लियर स्टेज। ठीक है, मान लो वो आगे स्टेज में चला गया था, मतलब आग लग गई तो फिर से वापस आ गया। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे डेवलप होगा। दे क्रिएट न्यू कंडीशन दैट एनकरेज सम स्पीशीज एंड डिस्करेज और एलिमिनेट अदर स्पीशीज। अब ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कुछ स्पीशीज बढ़ भी सकते हैं, कुछ जो है वो एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ दिस हैबिटेट प्लांट सक्सेशन इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, अब प्लांट सक्सेशन उसके हैबिटेट के ऊपर दो तरीके का है, हाइड्राज और जेराज। ठीक है, दोनों को डिस्कस करते हैं हम लोग। हाइड्राज सक्सेशन इट टेक्स प्लेस इन वेटर एरियाज जहाँ पे पानी है। ठीक है, इट प्रोग्रेस फ्रॉम हाइड्रिक टू मेसिक कंडीशन, धीरे धीरे पानी वाले एरिया में मिट्टी बढ़ती जाएगी। जैसे कोई पॉन्ड है, मान लो तुम गाँव में रहते हो अपने पुराने, कि पहले वहाँ पॉन्ड हुआ करता था अब नहीं है, तो वो कहलाएगा हाइड्राज सक्सेशन। धीरे धीरे वहाँ साइड से मिट्टी आती गई, पानी कम होता गया, ठीक है, उसमें कचरा इकट्ठा होता गया और धीरे धीरे वो पॉन्ड खत्म हो गया, तो वो कहलाएगा हाइड्राज सक्सेशन। ठीक है, जेरा सक्सेशन क्या है, इट टेक प्लेस इन ड्राई एरियाज, मान लो कोई पत्थरी पथरीला इलाका था और वहां से धीरे धीरे सॉइल डेवलप हो गया, वहां पर खेती होने लगी या जंगल ग्रो हो गया, तो वो कहलाएगा जेराज। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्राज मतलब पानी से स्टार्ट होके जंगल बना, और जेराज मतलब पथरीला इलाका या माउंटेन से स्टार्ट होके जंगल बना। ठीक है, हैंस बोथ हेडराज एंड जेराज सक्सेशन लीड टू मीडियम वाटर कंडीशन, जहां पर सॉइल भी हो पानी भी हो, उसको हम बोलेंगे मेसिक कंडीशन। ऐसा नहीं है जंगल में पानी नहीं है, पानी है बट बहुत कम है, सॉइल में है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी। ठीक है, तो प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक जीरोफिटिक हैबिटेट्स में होगा। हियर लाइकेंस आर पायनियर स्पीशीज, यहाँ पर लाइकेंस पायनियर स्पीशीज है। दे सिक्रीट एसिड्स टू डिजोल्व रॉक्स, रॉक्स को तोड़ेंगे, धीरे धीरे सॉइल में कन्वर्ट करेंगे, वेदरिंग करेंगे। क्लाइमेक्स कम्युनिटी फॉरेस्ट रिमेन स्टेबल इन द एनवायरमेंट रिमेन अनचेंज। ठीक है, वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी वहां पर रहेगा अगर इन्वायरमेंट चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो लाइकेंस आएंगे पहले पायनियर कम्युनिटी, फिर स्मॉल ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स आएंगे, फिर बिगर प्लांट्स आएंगे, और वो धीरे धीरे फॉरेस्ट बनेगा जिसको हम मीजोफाइटिक या मेसिक कंडीशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी कंडीशन ऑन रॉक्स, जिसको हम लोग जेरिक बोलेंगे, जेराज सक्सेशन बोलेंगे। ठीक है, हाइड्राज में क्या होगा, पहले फाइटोप्लैंक्टन्स आएंगे धीरे धीरे, ठीक है, प्लांट स्टेज आएगी, समर्स प्लांट स्टेज। ठीक है, उसके बाद रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, फ्लोटिंग प्लांट्स आएंगे जो उस पर ग्रो होंगे। ठीक है, फिर फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। ठीक है, और उसके बाद
क्या होगा कि पानी कम होता जाएगा, रीट स्वयं बनेगा, थोड़ी मिट्टी इसमें बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे मार्श मीडो बनेगा, ठीक है। फिर स्क्रब स्टेज आएगी जिसमें बड़े प्लांट्स आने लगेंगे और पॉन्ड पूरी तरीके से गायब हो जाएगा और वहाँ पे फॉरेस्ट डेवलप हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे जेराज कंडीशन। बहुत अच्छे से डायग्राम दिया है स्टेजेस में मार्क करके, 1 2 3 4, तो इसको आप देख सकते हो, चाहो तो इसको प्रिंट निकाल के नोटबुक में छुपा सकते हो। और यहाँ पे पूरा जो है आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझ में आ जाना चाहिए कि कहाँ से शुरुआत हो गई, क्या बना, ठीक है। विद टाइम द वाटर बॉडी इज कन्वर्टेड इन टू लैंड, धीरे धीरे वाटर बॉडी इज लैंड में कन्वर्ट हो गई और क्लाइमेट कम्युनिटी यहाँ पे भी फॉरेस्ट हो गई, ठीक है। तो ये हमारा ये पार्ट खत्म हो गया, पिरामिड्स वाला और सक्सेशन वाला। अब बचा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग वाला टॉपिक, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।